गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आई जे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए डेली ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे CIN नंबर दिया गया है, रेफरेंस नंबर दिया गया है, इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर पाएंगे। जो रिक्रूटमेंट रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए रहेगा, 50 पोस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकाली गई है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। काफी बड़ी अपडेट है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 50 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा 17 जनवरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 5 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने का। बाकी डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की 25 फरवरी 2023 में दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग रहेगी आपकी, वो अराउंड 10 डेज रहेगी आपकी। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन के आपका कॉल लेटर भी तभी आएगा, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 50 पोस्ट रहेंगी, जिसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज को देख पाएंगे। 19 वैकेंसीज अनरिजर्वली रखी गई हैं, बाकी सभी वैकेंसीज आप यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहां पे, तो यहां पे टर्म एंड कंडीशंस आपको दी गई हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहां पे 1 आपका यहां पे जो पीरियड रहेगा, 1 ईयर का आपका यहां पे रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, वो आप यहां पे चेक कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पे आप देखें तो यहां पे जो इन्वॉल्वमेंट्स रहेगा वो 60,000 पर मंथ सैलरी आपकी रहेगी 1 ईयर के लिए। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो रहेगी यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे इसी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, वो आपकी आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, उसके अलावा साइंस में कर रखी है, कॉमर्स में कर रखी है, 50% मार्क्स के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। उसके अलावा एज जो आपकी रहेगी 21 से 30 आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। बाकी कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे जो वो आपको जो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बाकी का जो प्रोसेस रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने का, उससे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का रहेगा, उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा एंड इंटरव्यू रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा एंड 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 60% जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो जनरल OBC EEE कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, इसमें 60% पासिंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं। बाकी SC ST के लिए 55% रहेंगे। इसमें जो पेपर पैटर्न रहेगा 90 मिनट्स 1 घंटे का आपका रहेगा। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरेंस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये सारा पेपर पैटर्न रहेगा। इंटरव्यू आपका जो रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद में आपका यहाँ पे जो मेरिट बनेगी उसका, उसके बाद में जो आपका रहेगा इंटरव्यू रहेगा, जो आपकी सिलेक्शन रहेगी इन दोनों के बेसिस पे रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेसिस पे। बाकी उसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो आप चेक कर सकते हैं। जो सेंटर्स रहेंगे वो आपके यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर्स ऑल आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको डिटेल में यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में दिए गए हैं। बाकी बात करें फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ जो फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा। पहले रजिस्ट्रेशन रहेगी, सेकंड फीस ऑफ पेमेंट रहेगी, थर्ड फोटोग्राफ्स का रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे 7 जनवरी से लेके आप जो 5 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो फीस रहेगी SC ST PWD के लिए 200 रुपीज एंड ऑल कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज रहेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो रहेगी कैरियर सेक्शन में जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। काफी इजी प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन मोड से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे जो इशू रहता है फॉर्म को अप्लाई करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी सारी चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी।
वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।